सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग सेकंड पार्ट चेक करेंगे। तो बेसिकली पार्ट इसका मैं बोल रहा हूँ बिकॉज कल हम लोगों ने 5-6 टॉपिक देखा, आज हम 5-6 टॉपिक देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है, सीरीज क्या है, इसमें हम लोग 1970 से 2017 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें लगे वो चेक करेंगे, उनके थोड़े बहुत मतलब डिटेल एनालिसिस करेंगे जितना हो सके। और जो पहले ही पढ़ चुके हैं इनके लिए अच्छा रिवीजन होगा, और जो नहीं जानते ही कोई टॉपिक को उनका उनको मिनिमम एफर्ट में वो टॉपिक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना कोई देरी के चालू करते हैं। तो एक क्वेश्चन था, अजंता पेंटिंग्स डिपिक्ट, मतलब उसको क्या दर्शाता है अजंता की पेंटिंग्स में। तो वो था जातकास जो थे उनके बारे में पूरा पेंटिंग्स लिखी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग है, यहाँ पे हॉल बना हुआ है, फिर ये एक पोर्ट्रेट है, तो ऐसे पेंटिंग्स है। अब थोड़े से हम लोग अजंता केव के बारे में जान लेते हैं। तो अजंता जो जो केव्स हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं, वो वहाँ पे 29 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि 2nd सेंचुरी से BC से लेके 480 CE तक है। और ये कहाँ पे है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर जो ये केव्स हैं, ये दो फेज में बने थे। पहला फेज जो है वो 2nd सेंचुरी BC में बना था, और दूसरा फेज जो है वो इस पीरियड में बना हुआ था। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ऐसे आप हर चीज का एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पेंटिंग्स क्या दर्शाते हैं, सो पेंटिंग्स जो हैं वो बताते हैं कि पास्ट लाइफ्स एंड रिबर्थ्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। फिर ये पिक्टोरियल टेल्स, मतलब कि चित्रकला जो है उससे, जो चित्रकला से कहानी दर्शाती है वैसा बताते हैं, किसका, फ्रॉम आर्य सुरास जटा का माला। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे रॉक कट मूर्तियां हैं, मूर्तियां बोल सकते हैं, या उनके जो स्कल्पचर्स होते हैं वो हैं बुद्धिस्ट के डाइटीज, मतलब भगवान के। फिर ये कल के आ गए थे हमारे इनसु माफ की जगह जगजीवन राम जी को। तो इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि किनके कार्यकाल में मुगल पेंटिंग जो थी वो सबसे ऊपर थी। जेनिथ मतलब होता है टॉप ऑफ द प्लेस, ठीक है। तो जहांगीर उनके टाइम पे थी। जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था कि जहांगीर के टाइम, जहांगीर जो पहले तो थे वो डुपली बहुत ज्यादा ही यूरोपियन के जो पेंटिंग जो उनका चित्रकला था उससे ज्यादा प्रभावित थे। हुआ यह था कि जहांगीर के समय में इंग्लिश क्राउन से डायरेक्ट उनका जो कार्यकाल था वो आ गया था, ठीक है। तो क्या होता था कि उनको ऑयल पेंटिंग्स के नाम से गिफ्ट आता था, ठीक है, जिसमें आपके किंग और क्वीन के पोर्ट्रेट, मतलब जो पोर्ट्रेट आप जानते ही होंगे, आजकल कई सारे फोन आ गए हैं, खासकर एप्पल आईफोन जो है इसी नाम से बिक रहा है कि डुअल कैमरा है करके, तो पोर्ट्रेट्स आते थे। तो उससे जहांगीर में दिलचस्पी और बढ़ी। उन्होंने क्या किया, उसको सिंगल जो है सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव किया, जो कि फेवर था यूरोपियन आर्टिस्ट द्वारा, अनलाइक द फ्लैट एंड मल्टी लेयर स्टाइल यूज इन ट्रेडिशनल मिनिएचर्स। मतलब कि सिंगल पेन से ऐसे आप पूरा एक पोर्ट्रेट बना लीजिए, ना कि मल्टी लेयर बनाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने पर्टिकुलरली क्या एंकरेज किया, ये किया डिपिक्टिंग इवेंट्स ऑफ हिज ओन लाइफ, ठीक है, खुद के कार्यकाल या खुद के जीवन के बारे में आप मेरा बनाइए, ठीक है। अब इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स, उसके बाद स्टडीज ऑफ बर्ड्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स, फिर जैसे आपको पता है जहांगीर नामा, जो कि इनके लाइफ टाइम में लिखा गया था इनके कार्यकाल में, जो कि इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, और बहुत सारे पेंटिंग्स थे, और कुछ यूनियन सब्जेक्ट्स, अलग अलग अनयूजुअल सब्जेक्ट भी थे, जैसे यूनियन ऑफ अ सेंट विद टाइगरेस एंड फाइट बिटवीन स्पाइडर्स, तो ये भी अलग अलग थे। तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले इस बार कि ऐसे विभिन्न अलग अलग प्रकार के, यानी कि मतलब मकड़ियों का लड़ाई, इनमें से ये किसके कार्यकाल में ऐसी पेंटिंग बनी, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है जहांगीर जिन्होंने किसी एक को उठाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेंटिंग ये बनवाते थे। फिर आते हैं सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल जो रिलेशन रहता है, यानी कि जो आपका स्टेट और सेंटर का, जो केंद्र का और राज्य का, जो पूरे पैसे का जो मसला रहता है वो कौन देखता है, तो वो देखता है फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट्स टू बी डिवाइडेड एज पर देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द टैक्सेस, ठीक है। फिर ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है फैक्टर्स गवर्निंग ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम, मतलब क्या क्या इस स्टेट को ग्रांट मिल सकता है और उसका क्या प्रभाव होगा, वो दोनों को ये चेक करता है फाइनेंस कमीशन। और ये रिकमेंडेशन करता है प्रेसिडेंट को एज टू द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट टू द फंड ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत म्यूनिसपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन
ऑफ द स्टेट। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, प्रेसिडेंट को ये सब बताता है या उनकी हेल्प करता है बेसिकली। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो उनसे मदद मांगी जाएगा फाइनेंस कमीशन से, तो बताता है कि कितने फंड देने चाहिए पंचायत को और उनके म्यूनसिपैलिटीज को, ताकि उनका जो कार्यकाल है, काम है, वो अच्छे से हो सके। फिर एनी अदर मैटर रिलेटेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। सो फाइनेंस का कोई भी तरीका, ठीक है, पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ अगर प्रेसिडेंट मांगता है उनकी सुझाव, तो वो देते हैं। देन फाइनेंस कमीशन जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है विच इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक एक स्वकार्यकारी समूह है जिसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कर्मचारी गवर्न करते हैं। तो ये भी देख लीजिए, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे आप पॉइंट आउट अपना बना सकते हैं। फिर आते हैं रामानुजाचार्य जो थे वो किसको एडवोकेट करते थे, तो वो भक्ति कल को ज्यादा प्रोत्साहित करते थे। और ये जो थे किस पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हिंदू चोला की डायनेस्टी जो था उनके राज्य कार्यकाल में थे, और इन्होंने बहुत सारे बायोग्राफीज जो हैं वो रामानुजाचार्य के ऊपर लिखी गई हैं। मतलब कि इनकी जीवन कला का के बारे में दूसरों ने लिखा है, ठीक है। वो कब लिखी गई है, 12वीं शताब्दी के आसपास। फिर आते हैं रामानुजा के गुरु जो थे वो यादवा प्रकाशा थे, वो अ स्कॉलर हु वॉज अ पार्ट ऑफ मोर एंशियंट अद्वितीय वेदांता मोनास्टिक ट्रेडिशन, ठीक है। फिर रामानुजा हिमसेल्फ, मतलब खुद ही उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट लिखे हैं, यानी कि आपको इन्फ्लुएंशियल का हिंदी इसको पता होगा, ज्यादा प्रभावित करने वाले लिखे, सच एज भाष्य ऑन द ब्रह्मा सूत्रास एंड द भगवद गीता, ये सब जो है सारे संस्कृत पे लिखे गए हैं। और फिर रामानुजा जो थे वो फेमस थे क्योंकि चीफ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट द्वितीय, ये सब स्कूल ऑफ वेदांता के, ठीक है, प्रोपोनेंट मतलब बोलने वाले। अब इसमें किसी को और पॉइंट अगर याद है तो प्लीज वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, थैंक यू। एंड आप, और ये जो थे ये हैं रामानुजा की सर की या जी की पिक्चर है, और दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसने चार मठ देश के चार कोनों में स्थापित किए थे, हु एस्टेब्लिश्ड फोर मठ मठ इन फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, वो कौन थे, शंकराचार्य थे। तो दक्षिणामन्या श्री शारदा पीठम ये मेन मठ है, ये कहाँ है, श्री श्रृंगेरी शारदा पीठम, ये कहाँ पे है, श्रृंगेरी कर्नाटका में है, ठीक है, दक्षिणा मान्य, ठीक है, दक्षिण मतलब कर्नाटका में, आप देख लीजिए, समझ लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है, ड्राइंग मेरी खराब है। द उत्तर मान्य मठ नॉर्थन मठा एट ज्योतिर्मठ इन द सिटी ऑफ ज्योतिर्मठ ऑल्सो नोन एज उत्तराखंड, तो उत्तर उत्तराखंड में है, दक्षिण कर्नाटका में है, कर्नाटका सारी इस तरफ है, ठीक है। अब पूर्व मन्या मठ ईस्टर्न मठ ऑन द गोवर्धन मठ एट पुरी ओडिशा, ठीक है, ये ईस्ट यहाँ पे ओडिशा में है, ठीक है। फिर पश्चिम मठ यानी कि वेस्टर्न मठ वो है द्वारिका पीठ यानी कि गुजरात, ठीक है। उत्तर में उत्तरा ये उत्तराखंड में है ज्योतिर्मठ, दक्षिणा मठ जो है जो कि श्रीनगरी श्रृंगेरी शारदा पीठम श्रृंगेरी कर्नाटका में है, और गोवर्धन मठ जो है वो पुरी में है, और द्वारिका में द्वारिका पीठ है यानी कि द्वारिका में है, ठीक है। लास्ट, हु प्रिपेयर्स टोपोलॉजिकल मैप्स ऑफ इंडिया, तो सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। तो बेसिकली सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक एडवाइजर के काम करता है, जो कि कार्टोग्राफी यानी कि जो कि फोटोग्रामेट्री मैपिंग और मैप रिप्रोड्यूशन होता है ना, इस सब चीज में काम आता है, जो कि आप जीपीएस देखते हैं ना तो ये गूगल का मैप है, वैसे सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का मैप बनाता है। अब सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, एंड स्पेलिंग्स ऑफ नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी। अब ओशियनिक टाइडल प्रिडिक्शन, ये भी देखता है कि कितने टाइड आने वाले हैं। अंडरटेक प्रिडिक्शन ऑफ टाइड्स है 44 पोर्ट्स इंक्लूडिंग 14 फॉरेन पोर्ट्स, मतलब कि ये टाइडल जो वेव होती है ना उनके प्रिडिक्ट करता है ये कितने, और जो प्रिडिक्ट कहाँ करता है, ये करता है आपके 44 पोर्ट्स हैं टोटल, ठीक है, उनमें 14 जो है फॉरेन पोर्ट्स हैं, ठीक है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है इन द एरिया ऑफ फोटोग्रामेट्री कार्टोग्राफी जियोडीसी टोपोग्राफिकल सर्वे एंड इंडाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिजिनेश डी इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इसका मतलब अगर आप लोग पूरा बता देते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं कमेंट में लिख दूंगा।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन थोड़ी सी बात ये जान लीजिए कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये फॉर्म्ड हुआ था 1787, नहीं है ये 1767 में, ठीक है। अब इसका जो ज्यूरिडिक्शन था वो ग्रेटर इंडिया में था 1793 से 1851 तक, ब्रिटिश इंडिया में था 1851 से 1947 तक, एंड उसके बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है देहरादून में। तो ये सब पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी साथ आज का ये वीडियो खत्म हुआ, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इस वीडियो के साथ में आपको बाकी अगर कोई वीडियोस देखने हैं इस चैनल के, तो वो आपके सामने प्रेजेंट हैं, और हम मैंने काफ़ी चीज़ें अलग अलग से कवर की हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं इस चैनल के अंदर अगर आपके कोई आपको कोई ज़्यादा अच्छा वीडियो चाहिए तो। एंड देर आर ट्रिक्स वीडियोज ऑल्सो, तो वो सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, अनलाइक कीजिए नहीं पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसमें और आगे आगे बढ़ता रहूं। एंड और सबसे मेन बात है कि आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग रुचि दिखा रहे हैं और क्या आप मेरे में गलती हो रही है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलेंगे अगले वीडियो में।